हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम बनाएंगे राइस फ्लावर से एक टेस्टी डिलीशियस ब्रेकफास्ट। आप इसको एज ए इवनिंग स्नैक्स भी बना सकते हो। ये एक 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आप इसकी फिलिंग देख सकते हो, मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी चावल का आटा, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक डो रेडी करूँगी। हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका डो रेडी करना है। आप देख सकते हो कि मैंने इसका डो रेडी कर लिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख दूँगी। आप देख सकते हो इसकी सॉफ्टनेस किस तरीके की है। आपको भी इस तरीके के ही रखना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 वेजीज, जिसमें मैंने फर्स्ट लिया है अनियन एंड कैप्सिकम, एंड उनको अच्छे से ऑयल को ऐड करके हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सॉल्ट, थोड़ा सा मैगी मसाला। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सेज़वान सॉस, काली मिर्च का पाउडर एंड टमाटो सॉस। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब हमारी स्टफिंग रेडी है। आप इसके अंदर अपनी चॉइस की कोई भी वेजेस ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमारा डो भी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिवाइड कर दूँगी 8 to 9 पार्ट्स में। डिवाइड करने के बाद इस तरीके से मैं इसको हाथ से करके इसके अंदर अपनी फिलिंग को ऐड करूँगी। आप देख सकते हो कि मैंने अपनी फिलिंग को अच्छे से ऐड कर दिया है। इसी तरीके से मैं अपने सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लूँगी। अब हम बनाएंगे स्लरी। स्लरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कॉर्न स्टार्च। उसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर वाटर। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। उसके बाद हम इसमें अपनी बॉल को डिप करेंगे इस तरीके से अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए भुने हुए जवे, जिसके मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्रश कर लिया है। आप क्रंचीनेस के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आप कोई भी यूज़ कर सकते हो क्रंचीनेस के लिए। मैंने यहाँ पर इस जवे को यूज़ किया है। इस तरीके से मैं अपनी सारी बॉल्स को अच्छे से कोट कर लूँगी। मैंने अच्छे से कोट कर लिया और मैंने 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। अब हम इसको करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए मैंने अपने ऑयल को प्री हीट कर लिया था और हमें इनको फ्राई सिर्फ लो फ्लेम पर ही करना है। और हमें मीडियम और हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी, हमें इनको फ्राई सिर्फ लो फ्लेम पर ही करना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएं। अब देख सकते हो कि मैंने अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। अब इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे। हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरीके से ही फ्राई करेंगे। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मेरे कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको कैसी लगी। और मैंने इसके अंदर सिर्फ घर पे जो इंग्रेडिएंट्स हमारे नॉर्मली रहते हैं वही यूज़ किए हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर टोमेटो केचप के अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, जिससे कि हमारे टोमेटो केचप का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। आप भी एक बार यूज़ करके देखना, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है और हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो इसके अंदर का भी फिलिंग कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है।